हेलो दोस्तों, ये जो है आप देख पा रहे हैं डिजिटेक का हमने माइक मंगाया है। और ये जो है हम दूसरा पीस मंगाए हैं, एक पीस और मंगा चुके थे। तो मंगाने के बाद जो है वो हमारे मोबाइल में काम नहीं किया, मोबाइले का आवाज़ आ रहा था, इसलिए फिर रिप्लेस करके हमने दूसरा मंगाया है। लेकिन वो भी माइक ठीक ही था और ये भी मेरे मोबाइल में वर्क नहीं कर रहा है और वो भी नहीं कर रहा था। तो हमने फिर देखा कि आखिर सब माइक तो ख़राब नहीं हो सकता है। तो हम आज आपका इसका रिव्यू करके बताते हैं कि अच्छा है या ख़राब है, क्यों नहीं मेरे मोबाइल में काम किया। तो आप देखिए इसका इस तरह का बॉक्स मिलता है इसमें, और ये जो है इसमें एक रिसीवर और दो ट्रांसमीटर मिलता है। तो यहाँ से जो है इसमें पावर ऑन करने के लिए है, ये इको का भी फंक्शन दिए हुए है। और इसमें जो है ये ईयरफोन लगा करके हम सुन भी सकते हैं जो बोल रहे हैं सो। तो ये दो पीस हो गया, और ये रिसीवर है, रिसीवर में भी ऑन करने के लिए दिए हुए हैं। और यहाँ से वॉल्यूम प्लस और माइनस करने के लिए दिए हुए हैं, जो इसको आवाज़ जो है आप नॉइस जो है इसका रिड्यूस करने के लिए प्लस माइनस के लिए आवाज़ कम कीजिएगा तो इसका नॉइस कम होता है, और फुल में रखिएगा तो नॉइस जो है इसका बढ़ता है। तो इसमें केवल मिल जाते हैं आपको एक चार्जिंग के लिए है, जो चार्जर में लगा करके, चार्जर इसमें नहीं दिए हुए हैं, चार्जर में लगा करके दोनों ट्रांसमीटर को भी और इसको भी चार्ज कर सकते हैं। और इसमें ये जो मिला हुआ है कैमरा में कनेक्ट करने के लिए, इसमें से इसमें जो है टाइप सी केबल एक तरफ दिए हुए हैं, एक तरफ ईयरफोन का दिए हुए हैं जो आप कैमरा में लगा सकते हैं। और ये दिए हुए है, ये आईफोन के लिए है, इससे कनेक्ट करने के लिए, जो रिसीवर है इससे मोबाइल में आईफोन के लिए है। और ये जो है फ़ोन के लिए, तो और ये जो है आपको दो इसमें ईयरफोन दिए हुए है कि आप ईयरफोन भी लगा करके सुन भी सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो आवाज़ आपका प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। और ये जो है एक और एक्स्ट्रा में ये दिया गया है, जो आप दो इसमें इस तरह का दिया गया है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये दो इसमें दिए गए हैं। और ये जो है ये ऊपर में लगा लेने के लिए दिया गया है, जो आप बोलेंगे तो बोलने पर जो थोड़ा सा मुंह से पानी आता है वो इसमें अंदर ना जाए, तो उसके लिए ये लगा लेना है इस पे। तो ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मेरे मोबाइल में काम क्यों नहीं किया। तो ये जो मोबाइल मेरा रियल मी का है, रियल मी टेन प्रो 5G जो है, प्रो प्लस 5G, तो इसमें वर्क नहीं करने का कारण यह है कि इस कैमरा में जो है एक्सटर्नल कैमरा का फैसिलिटी उसमें नहीं दिया गया है, कहीं पे सेटिंग नहीं दिख रहा है। तो इस कारण से जो है मोबाइल का ही कैमरा काम, मोबाइल का जो माइक है वही काम करता है इसमें। लेकिन इससे जो कनेक्ट हम करते हैं तो इसका माइक का आवाज़ उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं अपने रियलमी फ़ोन से बना रहे हैं, जो आपको आवाज़ अभी मिल रहा है ये रियलमी फ़ोन का है। अब आपको हम रियलमी फ़ोन पर ही इसको कनेक्ट करके, जो इसको जो है हम कनेक्ट करके और आपको हम दिखाते हैं उसका आवाज़ किस तरह का रिकॉर्ड होगा, जो आप वीडियो में सुन पाएंगे देख पाएंगे। तो हम आपको पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं,
मोबाइल से, तब हम आपको इसका आवाज़ सुनाते हैं जो आपको वीडियो में आगे दिखेगा, और कैसे कनेक्ट होगा इसके बारे में भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, और क्यों नहीं हमारे मोबाइल में वर्क कर रहा है ये भी हम बताएंगे। तो जी, तो अब जो है हम अपने रियलमी फ़ोन पर इसको हम जोड़ दिए हैं, ये डिजिटेक का माइक को। अब उसका आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे कि पहले के जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसके बाद जो इस माइक से जो रिकॉर्ड हो रहा है, दोनों में आवाज़ में कुछ अंतर होगा। अब हम आपको थोड़ा सा इसको नॉइस रिड्यूस करके आवाज़ कम बेस करके दिखाते हैं। तो आप देखिए, ये आवाज़ जो है अब थोड़ा थोड़ा कम रहा होगा, और इस तरह से आवाज़ अब कमेगा, इसका थोड़ा नॉइस कमेगा और ये जो है अब बढ़ेगा। तो आवाज़ जो है इसका हमको बहुत बेहतर लगा है, लेकिन ये जो है हमारे फ़ोन में कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो इसको हम कैसे कनेक्ट किए हैं ये आपको हम आगे वीडियो में दिखाते हैं, मोबाइल में सेटिंग करके कि ये मोबाइल से कैसे कनेक्ट हो गया। अब मोबाइल का माइक ना काम करके ये एक्सटर्नल माइक काम कर रहा है। पहले जो है हम प्रयास किए थे, लेकिन हमेशा मोबाइल के ही माइक से रिकॉर्ड होता था, और इसका जो है आवाज़ हमको मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं होता था। तो इसका हम सेटिंग आपको आगे दिखाते हैं वीडियो में। जी दोस्तों, तो आप अब देख पा रहे हैं मोबाइल में कि ये जो है हमने ये ऊपर में जो ये कैमरा ओपन कैमरा नाम से जो ये सॉफ्टवेयर है, ये ऐप है, तो इस ऐप को हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। तो प्ले स्टोर में आपको कहाँ पे कैसा मिलेगा से देखिए, इसमें ओपन कैमरा ये टाइप करेंगे तो ओपन कैमरा आपको इस तरह का कैमरा दिखेगा, जो इस जिसको इंस्टॉल आपको कर लेना है। करने के बाद जो है हमने इंस्टॉल कर लिया है इसलिए ओपन दिखा रहा है, तो हमने ओपन कर लिया। अब इसमें कुछ सेटिंग करना है जो आपका ये डिजिटेक का माइक जो है काम कर सके टाइप सी में। तो ये जो है यहाँ पे वीडियो सेटिंग, इसमें आप जाएंगे तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ऑडियो सोर्स में जो है यहाँ कैम कॉर्डर पर रहता है इस पे, तो आपको यहाँ एक्सटर्नल माइक का जो ऑप्शन दिया हुआ है कैम कॉर्डर पर रहता है, या आपको डिफ़ॉल्ट ऑडियो सोर्स रहता है। तो ये आप एक्सटर्नल माइक इफ़ प्रेजेंट जो लिखा हुआ आ रहा है इस पे क्लिक करके आपको ये जो इस पे क्लिक करके रखना है, इस पे क्लिक कर दिए। अब जो है माइक जो काम करेगा, इसमें जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे इस ऐप के माध्यम से जो रिकॉर्ड करेंगे हम, तो आपको ये इसका आवाज़ जो है डिजिटेक माइक का आवाज़ इसमें आएगा, अन्यथा आपको मोबाइल का ही माइक का आवाज़ इसमें रिकॉर्ड होगा। अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें सेटिंग इस तरह का नहीं मिला है हमें जो एक्सटर्नल माइक के लिए हो, तो इस कैमरा से आपको नहीं आएगा आवाज़ माइक, इसका आवाज़ डिजिटेक का माइक का आवाज़ नहीं आएगा, सिर्फ मोबाइल का ही आवाज़ आएगा। तो इस तरह से आप सेटिंग करके इस डिजिटेक का माइक का लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया हमको लगा, लेकिन हमने एक बिना जानकारी होने के कारण जो है हम एक को रिटर्न कर दिए थे, दूसरा भी आया तो इसी तरह से काम नहीं किया, इसलिए हम दूसरा मंगाए, तो उसके बाद तब सेटिंग में जा कर के हमने सेट किया है, तब जा कर के ये वीडियो बनाए हैं। आप लोगों को भी जानकारी हो गया, अब आप लोग भी सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल बटन को भी दबा दें।